मध्य आ रहे मुस्लिम लड़की के हिंदू युवक से प्रेम करने पर पंचायत का तुगल की फरमान, पेड़ से बांधकर घंटों पिटाई, घर वालों के राजी नहीं होने पर लड़की अपने प्रेमी के साथ 30 सितंबर को फरार हो गई। वह पास के ही गांव में प्रेमी के साथ रहने लगी। इस बीच उसके घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो वे गुरुवार को वहां पहुंचे और उसे पकड़कर गांव लाए। मुस्लिम लड़की के हिंदू युवक से प्रेम करने पर पंचायत का तुगल की फरमान, पेड़ से बांधकर घंटों पिटाई। बिहार के नवादा में रजौली थाना क्षेत्र के जोगिया मारंग गाँव में एक मुस्लिम समुदाय की युवती ने जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर हिंदू युवक से प्यार कर बैठी। इसकी सजा उसे तालिबानी कानून के तहत भुगतनी पड़ी। प्रेमी के साथ भागने पर लड़की को करीब 5 घंटे तक पेड़ से बांधा गया। इस दौरान उसकी इतनी पिटाई की गई कि वह बेहोश हो गई। पंचायत के फरमान के बाद लड़की की मां और भाई ने इस घटना को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर वालों के राजी नहीं होने पर लड़की अपने प्रेमी के साथ 30 सितंबर को फरार हो गई। वह पास के ही गांव में प्रेमी के साथ रहने लगी। इस बीच उसके घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो वे गुरुवार को वहां पहुंचे और उसे पकड़कर गांव लाए। घटना की जानकारी पर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के तुगल की फरमान के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। लड़की के मुताबिक वे उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले विवाह के लिए राजी नहीं थे, लिहाजा वे अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव जाकर लड़की का बयान लिया और परिजनों को चेतावनी देकर उसे सौंप दिया। लड़की के परिजनों ने उसे उठाकर अपने गांव ले आए और उसे मस्जिद के सामने एक शीशम के पेड़ से कड़कड़ाती धूप में बांध कर छोड़ दिया। लोग उस पर इस तरह अपना भड़ास निकाल रहे थे जैसे लड़की प्यार नहीं, कोई जघन्य अपराध किया हो। परिजन से लेकर रिश्तेदार व गांव के कुछ लोगों ने सभी अपनी अपनी तरफ से लड़की पर गुस्सा निकाला। पीड़ित लड़की ने बताया कि मैं उस लड़के से 2 वर्षों से प्यार कर रही हूं, मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे मुझे कोई भी सजा मिले, मैं कोई जाति और धर्म नहीं मानती हूं। लड़की ने बताया कि उसकी उम्र 19 वर्ष के लगभग है और वह बालिग है, वे खुद यह निर्णय ले सकती है कि उसे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने अपराध किया है, इसीलिए मैं उसे बांधा हूं और सजा भी दूंगा। लड़की के पिता ने यह भी कहा कि 1 वर्ष पहले पंचायत भी बुलाई गई थी, इसमें लड़की को समझाया भी गया था कि तुम दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करना छोड़ दो, लेकिन लड़की न तो मेरी सुननी और न ही पंचायत की बात मानी, इसीलिए इसके साथ यह सलूक किया गया है। बाद में मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद लड़की को बंधन से मुक्त किया गया, फिर भी परिजनों ने लड़की का हाथ बांध कर ही रखा। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रविवार रंजन कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं SPS हरिप्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, घटना की जांच कराई जाएगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि रजौली DSP संजय कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, रजौली थाना प्रभारी को जोगिया मारन गांव में घटना स्थल पर छानबीन करने का निर्देश दिया गया है। जांच के बाद मामले की सत्यता की पुष्टि होने के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।